कुछ कुछ चीज़ें पता नहीं थी, तो वही मैंने लिया है। जैसे कि टंग क्लीनर, क्योंकि उसका पूरा मिल्क जमा हो जाता है टंग में, तो और ये सब सारी चीज़ें तो लेना था, लिया है मैंने। वही सोच के लिया मैंने। गाना कितना अच्छा चल रहा है, मेरे को क्रीम देखना था एक, तो वही मैं सोच रही हूँ कौन सा क्रीम लूँ उसके लिए। अभी हम लोग हिमालय का पाउडर यूज़ कर रहे हैं, और ये है एक क्रीम, ये 95 रुपीज़ का है, सोच रही हूँ इसी को ले लेती हूँ मैं। एक ये क्रीम है, लोशन है मतलब, दिस आई एम लाइकिंग इट। ये देखो यहाँ पर बहुत अच्छी सी चीज़ें हैं, बॉटल, ये बॉटल गरम, इसमें पानी या दूध जो भी रखो गरम हो जाएगा, तो आई लाइक इट। और ये सब गरम करने की चीज़ें बहुत सही चीज़ें हैं, आई एम रियली लविंग इट मैन, मतलब मुझे बहुत सही लग रहा है। और जैसे कि सिलिकॉन निप्पल है, अगर आपको बच्चे मतलब बाइट कर देता है निप्पल को, तो उसको लगा के आप पिला सकते हैं। क्या चीज़ सी आ गई है यार, मतलब मेरे को तो सीरियसली पता भी नहीं था कि इतना अच्छे अच्छे चीज़ें आती हैं। लव्ड इट डूड, ये तो कितना क्यूट है। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू द हैप्पीनेस कॉकटेल। सो गाइस, आज का मेरा जो ब्लॉग है उसमें, जैसा कि आपने देखा, हम लोग फर्स्ट क्राई गए हुए थे, और हम लोगों को एक दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बेबी के लिए वो लेना था। एक तो फर्स्ट थिंग था कि हम लोग को एक झूला टाइप का, क्योंकि हम लोगों ने जो कॉट या क्रिब लिया है उसके बेबी के लिए, वो बेड से हॉल तक, मतलब हालांकि उसमें लगा हुआ है, व्हील्स लगा हुआ है, बट स्टिल इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक इट आउटसाइड। तो उसके लिए कुछ चाहिए था, ताकि हम लोग हॉल में रहें तो वो भी हॉल में मतलब बेड से आए, और ऐसा कुछ न्यू नॉर्मल दिस इज। सो गाइस, स्टार्टिंग अगेन, तो हम लोगों को एक मतलब झूला टाइप का कुछ चाहिए था, जो हम लोग हॉल में भी इसको कैरी कर सकें, क्योंकि बेड हम लोग कैरी नहीं कर सकते उसको बाहर तक, और फिर सोफा सेट भी हाइजीनिक, वहाँ पर कोई भी आके बैठता है, तो एक सेपरेट इसके लिए जगह चाहिए थी। तो हम लोग सोचे कि कुछ लेते हैं जो इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छे समय तक चले, तो इसलिए हम लोग फिर फर्स्ट ट्राई गए, एक दो जगह और गए हम लोग लोकल शॉप पे, पर वहाँ मज़ा नहीं आया, तो हम लोग फर्स्ट ट्राई गए, वहाँ से हम लोगों ने ये लिया है, इसको क्या बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर, बेबी कैरी, हाँ बेबी हक का कैरी कॉट है ये, और इसमें ये यूज़र मैनुअल आया है। और ये इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसको कार में भी सीट कवर में आप इसको मतलब सीट कवर के साथ इसको एडजस्ट कर सकते हो। मैं कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मैं सब कुछ बताऊँगी स्टेटिंग फॉर दैट। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, बहुत बड़ा, इसके लिए कुछ और भी सामान लिए तो वो है, और इसके साथ एक ये नेट आया हुआ है, तो अच्छा है, और काफ़ी स्टडी मटेरियल है, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और आप इसको ऐसे ज़मीन में रखोगे ना, तो आप इसको ऐसे से भी कर सकते हो, तो ये अपना मतलब झूले की तरह भी होगा, बट आपको मैन्युअली करना है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक स्टफ नहीं है, और ये काफ़ी सेफ़ है ऐसा करके। तो अभी जैसे हम लोग आज मॉल जाने वाले हैं, तो वो भी मैं आपको लेके जाऊंगी, क्योंकि मैं हम देवांग का फर्स्ट डे आउट होगा, मतलब फर्स्ट टाइम एक जब से हुआ है, तो हम लोग के साथ पहली बार कहीं जाने वाले हैं मॉल पे, सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो ये ऐसा कुछ है, और यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है कि कार में कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो अलग से लेके उसका दिखाऊंगी। तो ये काफ़ी हम लोग को अच्छा लगा, और इसका कैसा है मैं आज पूरा आपको दिखाऊंगी, तो स्टे ट्यून्ड, कार में लगा के और सारा इसका यूसेज भी दिखाऊंगी। और फिर मैं थोड़ा मतलब मैं एक्सप्लोर कर रही थी वहाँ क्या क्या मिलता है, और मैंने कुछ शॉपिंग की है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सो इसका हम लोगों ने ना ऑनलाइन प्राइस भी देखा था, जो बेबी कैरी का है, कैरी कॉट का, ये हम लोगों को ऑनलाइन मतलब 3,500-4,000 तक का पड़ रहा था, तो हम लोगों ने फर्स्ट प्राइस से लिया है, तो हम लोग को वहाँ पर 3,000 का पड़ा, या 3,000 का, क्योंकि डिस्काउंट देके ये 4,000 का MRP इसमें लिखा हुआ है, 4,000 का, हम लोगों ने 3,000 का लिया है इसे, तो या काफ़ी सही है। और इसके साथ फिर मैं जगह एक्सप्लोर मतलब फर्स्ट का एक्सप्लोर कर रही थी, मुझे कुछ कुछ अच्छी चीज़ें मिली, जैसे कि ये टंग क्लीनर है, क्योंकि मतलब हम लोग की जो मसाज वाली आंटी आती है, वो आंटी उसको उंगली से मतलब कपड़े में डाल के कर लेती है, बट वो कर पाती है, बट मैं नहीं कर पाती हूँ, ऑफकोर्स आई एम नॉट यूज टू इट। तो मैंने ये ले लिया है 149 रुपीज़ का, क्योंकि कभी आंटी नहीं आई, और कभी मेरे को भी, क्योंकि दोपहर में भी उसका जब वो मिल्क पीता है ना, तो पूरे उसके टंग में लग जाते हैं, तो सही क्लीन हो जाएगा और हाइजीन अच्छा मेंटेन रहेगा। और नेक्स्ट मैंने ये लिया है, हाँ तो ये मैंने इसके लिए फर्स्ट गेम इसके लिए लिया है, उसको बेबी रैटल बोलते हैं, बेबी हक का ही सारा है, बेबी हक का है, ये फर्स्ट ट्राई का ही ब्रांड है, ये 85 रुपीज़ का है,
और इसमें भी कुछ 60 rupees का पड़ा डिस्काउंट के बाद, तो ये ऐसा है बहुत अच्छी आवाज़ और अच्छा है, ये अच्छी चीज़ मिल गया। और फिर मैंने नेक्स्ट परचेज़ किया है बेबी हक का, यही बेबी हक का है डेरी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, 24 आवर मॉइस्चराइजेशन है, एलोवेरा वाइट ऑयल क्रीम और ये सब है। क्योंकि चेहरे पे मैं सोच रही हूँ कि अब पाउडर ऑर्डर, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया है चेहरे में पाउडर नहीं लगाना चाहिए, कुछ लंग्स वंग्स में कुछ चले जाता है बोल रही, तो मैं बोली कि ठीक है फिर क्रीम लगा लेंगे या कोकोनट ऑयल भी आप लगा सकते हो। तो ये 50 ml का है और इसका प्राइस कितना है, ये 85 rupees का है, पता नहीं कितने का पड़ा, 60 rupees का भी, ये भी 60 rupees का पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ली है, तो अभी का मेरा यही है और मैं आपको ये बताऊंगी कैसा है इसका पूरा, और स्टे ट्यून्ड। हे गाइस, तो आज हम लोग पहली बार चीनू के साथ बाहर आए हैं, तो आज तो ब्लॉग करना ही था, और मैं बताती हूँ कैसा दिख रहा है चीनू। हियर इज चीनू, ये देखो यहाँ फोटो अच्छा आ रहा चीनू, इसमें सेफ एकदम। मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेशन करने हैं हम लोग बारबेक्यू नेशन में। ये है यू गाइस, इट्स इवनिंग 6:30, सो या फर्स्ट टाइम यहाँ आए थे प्रेग्नेंट होने के बाद, तो वो मेरा बर्थडे था जब हम लोग बारबेक्यू नेशन आए थे, उसके बाद फिर पापा के बर्थडे में आए और अभी फिर तीसरी बार आ रहे हैं। तो मतलब बच्चा जब प्रेगनेंसी में इतने बार आ चुका है कि मतलब एक अलग ही यादगार जुड़ गई है बारबेक्यू नेशन से। और अभी हम लोग फिर आए मम्मी के बर्थडे मनाने के लिए, तो इट्स रियली वेरी नाइस, और इसका पहला आउटिंग है वो भी बारबेक्यू नेशन में, सो इट्स रियली स्पेशल यू गाइस। और सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, मैं अपना आपको लेके जाऊँगी। चिकन दम बिरयानी, यहाँ का बिरयानी बहुत अच्छा है बोला भाई मेरा। और ये अरे वाह स्टार्टर, आपको लो फिश चिकन चिल्ली विद बोन, चिकन मसाला, मटन है ये। हम लोगों ने फाइनली फिट कर दिया है, इसी का मैं वेट कर रही थी। तो अभी हम लोगों ने बच्चे का सीट बेल्ट इसमें नहीं लगाया है, क्योंकि अभी मतलब डेमो पर्पस के लिए, तो ये इसमें क्या फिट हो जाएगा। फिर दूसरा चीज़ ये है कि आप इसको सर इधर करके आपको ये जो है सपोर्ट के लिए इसको लगाना है, ताकि एक तरीके से आपका ग्रिप बन जाता है यहाँ पे बैठने के लिए। उसके बाद ये जो आपका सीट बेल्ट का जो लाइन होता है यहाँ पे, एक दिखाओ इसको, यहाँ पे एक जगह होता है सीट बेल्ट। हाँ 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 हाँ, ये फंसा हुआ है ना, हाँ एरो है जो, हाँ वहाँ से आप फंसा के इसको आप जो है यहाँ पे रख सकते हैं, मतलब जो बक्कल कर देंगे तो ये अच्छा है, स्टेबल है, तो ये प्रॉपर एक तरीके से स्टेबल हो जाता है। अभी हम लोग का बेबी एक ही महीने का है, तो उसका सर थोड़ा ना संभलता नहीं है मतलब, बट आपका जैसे बेबी थोड़ा बड़ा है तो वो सर संभाल लेगा, तो अभी हम लोग को थोड़ा केयरफुल रखना पड़ता है क्योंकि वो आगे पीछे ऐसा नहीं जाएगा उसे, तो बट फिर भी थोड़ा ये टेढ़ा कर रहा है जैसे सर को, तो ये अभी बहुत छोटा है इसके लिए। और जिसके पास जैसे हमारी कार में नहीं लगा हुआ है सीट बेल्ट का, जैसे हमारी एस्क्रॉस जो है उसमें लगा हुआ है ना, तो उसमें कैसा है, उसमें ऐसे लगाना है, उसमें फिर अलग होता है, उसमें फिर यहाँ पीछे वाला अलग अलग वाला लगाना है, वो एक अलग पॉइंट, जिसकी कार में क्या बेबी सीट का दिया हुआ है, बेबी सीट का माउंट अलग से आता है, तो उसमें फिर ये ऐसे नहीं फिट होगा, उसमें फिर ये इसका डायरेक्शन ही चेंज आएगा, उल्टा लॉक होगा ना, उल्टा लॉक होगा फिर। हाँ, तो ये हमारी कार में बेबी माउंट नहीं दिया, इसके कारण हम लोग का ऐसा जुगाड़ करना क्यों लगाया, बाकी दोनों बुक दिया है, मतलब दोनों माउंट करके करने का देता है, दोनों देता है। हाँ, बाकी ये बुक में पूरा अच्छे समझाया हुआ है, तो हम लोग ने इसी को रिफर किया था।